डियर व्यूअर्स, स्टडी विद माधव के इन शॉर्ट्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस सीरीज का मुख्य उद्देश्य है जो भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उन्हें ट्रिक की सहायता से देखना। तो आज का ट्रिक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में जो अष्ट प्रधान होते थे वो कौन कौन से थे। अच्छा, अष्ट प्रधान होते क्या थे? तो जो आठ लोगों का एक समूह था जिसे हम मंत्रिपरिषद के नाम से जानते हैं, तो वो मंत्रिपरिषद में कौन कौन से सदस्य थे उसके लिए ट्रिक है पेशवा की अपनी सूची। पेशवा की अपनी सूची, यहाँ पे की जो है वो साइलेंट है, पेशवा अपनी सूची, इसी से ट्रिक बना है। तो आइए देखते हैं ट्रिक क्या है। तो जहाँ आप देख रहे हैं पेशवा में पे जो है उससे पेशवा बना। आज के दौर में उसे पेशवा का जो पोस्ट था उसे हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं। दूसरा जो था सौ से बना सर ए नौबत, जिसे हम सेनापति कहते हैं। और बा से बना, पेशवा में बा से बना वाकियानवीस। वाकियानवीस कौन थे? आंतरिक मंत्री, जो अंदरूनी विभाग को देखते थे उन्हें हम आंतरिक मंत्री आज के समय में कह सकते हैं, तो गृह मंत्री कहा जा सकता है। उसके बाद अपनी में ओ जो है उससे आमत्य बना। आमत्य क्या होते थे? ये वित्त मंत्री उस समय के होते थे। और प से क्या बना? पंडित राव, जो कि उच्च पुजारी होते थे पेशवा के दरबार में, तो वो पंडित राव कहलाते थे। अपनी नी, नी से क्या बना? न्यायाधीश, यानी मुख्य न्यायाधीश आज के दौर में जो होते हैं वो पेशवा के भी दरबार में हुआ करते थे, उन्हें न्यायाधीश ही कहा जाता था। और सु से, सूची में सु से सुमंत, सुमंत यानी विदेश मंत्री। और ची से चिटनिस, या कहीं कहीं आपको सुरुनविस लिखा मिलेगा, जो कि प्रधान सचिव होते थे। एक बार फिर से देखते हैं, पे से पेशवा, जो कि आज के दौर के प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है वही उस समय पेशवा का पोस्ट था। सौ से सर ए नौबत, यानी सेनापति का पोस्ट होता था। बा से वाकियानवीस, आंतरिक मंत्री यानी गृह मंत्री का पोस्ट होता था। अ से आमत्य, यानी वित्त मंत्री का पोस्ट होता था। प से अगर देखें तो पंडित राव, उच्च पुजारी, सर्वोच्च पुजारी जो होते थे उन्हें हम पंडित राव कहते हैं। और नी से न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश का जो पोस्ट होता है आज के दौर में वही उस समय न्यायाधीश का होता था। सु से सुमंत, यानी विदेश मंत्री का जो पोस्ट था। और ची से कहीं कहीं आपको चिटनिस या फिर सुरुनविस लिखा रहेगा, जो कि सचिव, प्रधान सचिव होते थे। तो ये अष्ट प्रधान का जो सिद्धांत था वो उस समय में भी प्रचलित था। ऐसे ही अन्य ट्रिक्स के वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नए नए वीडियो के साथ। जय हिंद।